नमस्कार फैक्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारा एंटरटेनमेंट। दोस्तों एंटरटेनमेंट इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में अगर कुछ भी डिस्कशन हो रहा हो हमारे लिए तो ये एंटरटेनमेंट ही होता है। कभी ये भारत की तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं तो कभी कुछ भी बकवास करते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें बड़ा मजा आता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बात आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे बताएं क्या आपने कभी उड़न तश्तरी देखी? उड़न तश्तरी एक दफा बेगम ने प्लेट फेंकी थी मेरे ऊपर, सो दैट इज तश्तरी। सो या उड़ती हुई तश्तरी, उड़ती हुई इट वाज, मैंने कैच कर ली थी, लेकिन ये कमाल था, मैंने कैच कर ली थी। वो अलग बात है, थोड़ी सी नाक लगी थी, बट स्टिल इट्स फाइन। एनीवे, लेकिन आपको पता है एक बंदे ने असली देख ली है। एक बंदे ने? आपको तो इमरान खान में तो बड़े लोगों ने देखी है। वो कैसे जनाब? क्योंकि वहां पे भी नजर आई है, पाकिस्तान भर में आसमान पर उड़ती फिरती उड़न तश्तरी के चर्चे हम देख रहे हैं, हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो गई है। 23 जनवरी को लाहौर से कराची जाने वाली पीआईए की परवाज के पायलट ने आसमान पर कोई मशकूक सी चीज देखी जिसे नाम दे दिया गया जनाब उड़न तश्तरी का। और पीआईए के मुताबिक 35,000 फुट की बुलंदी पर ये जो सफेद सफेद चीज थी, चमकदार थी, बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज थी शफाद। ये देखें, ये देखें जनाब, ये हम आपको दिखा रहे हैं शीशनाक किस्म के एक निशाने के साथ। ये जिस बंदे ने वीडियो बनाई है अब उसका निशाना है, हमारा तो खैर इतना निशाना वो नहीं होता, लेकिन एनीवे तो बड़े जूम करने की कोशिश की कि जनाब कोई से अंदर वो बैठा हो, कोई खलाई मखलूक बैठा हुआ हाथ हिला रहा हो, जैसे मियाँ साहब कहते थे ये खलाई मखलूक नजर नहीं आती, वो वाले सीन हो जाए कहीं, लेकिन वो नहीं हुआ। तो जनाब अब हम उम्मीद करते हैं कि खाई मखलूक के हवाले से पीआईए का मौकफ सामने आ जाएगा, क्योंकि हजार फजाओं में तो वही मौजूद है। हमारे साथ जनाब अब्दुल्ला हफीज साहब मौजूद हैं, तर्जुमान, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल शफात, अब्दुल्ला से बात करेंगे। और साथ में एक और अहम खबर भी जो पीआईए से जुड़ी है वो ये है कि मलेशिया में जो पीआईए का तैयारा जब्त कर लिया गया था वो पीआईए के हवाले कर दिया गया है, और 2 रोज में तैयारा पाकिस्तान वापस भी आ जाएगा इंशाल्लाह, यानी कि कल, होपफुली कल आ जाएगा। अब्दुल्ला हफीज को शामिल कर लेते हैं जनाब इस हवाले से। तो अब्दुल्ला पहले तो ये बताएं, वो जो उड़न तश्तरी नजर आई थी वो पायलट साहब को आसमान पे, वो वाकई उड़न तश्तरी थी नहीं थी, क्या था? एक बड़ा मुनफरिद वाकया आप इसको कह सकते हैं, और जिस तरीके से इसके ऊपर कल से पहले सोशल मीडिया और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस पर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। पीके 304 23 जनवरी को कराची से लाहौर की तरफ महवे परवास थी, जब साहिवाल और मुल्तान के करीब जो पायलट्स थे उन्होंने इस चीज़ का मुशाहिदा किया। उनमें से चूंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि जब आप इस तरह का कोई इवेंट देखते हैं, या जब इस तरह की इवेंट से मुराद ये है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ नोटिस करते हैं जो कि आपकी रूटीन से हटके हो, तो आप उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्होंने इसकी फिल्म भी बनाई, इसको डॉक्यूमेंट भी किया, और बाद में इसको प्रॉपरली रिपोर्ट भी किया। क्या चीज़ थी? उड़न तश्तरी थी, खलाई सैयारा था, क्या था? ऑब्वियसली इसके ऊपर हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज शायद आप इसके ऊपर कभी भी नहीं कर सकें, ना वो वीडियो इतनी कंक्लूसिव है कि उसे कोई चीज़ जो है वो वाज़े तौर के ऊपर नज़र आए, बट एक चीज़ थी जो कि नोटिस हुई, और उसका जो है जिक्र उस वीडियो के अंदर आपने देखा। इससे ज़्यादा इसके ऊपर और कुछ नहीं हम अभी एट द बयान कर सकते हैं। चले, हमारे लोगों को एक अच्छा मवाद मिल गया डिस्कस करने के लिए। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएगा कि वो तैयारा जो कि मलेशियन गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था वो इंशाल्लाह पीआईए का 2 दिन बाद मिल जाएगा, ये बताएगा कि सेटलमेंट किस तरह से हुई और कितनी रकम अदा करनी पड़ी इसके लिए? जी, जिस तरह आपको पता है कि कल कोर्ट के अंदर केस था मलेशिया के अंदर, और उसके अंदर दोनों फरीकैन ने बाहमी रजामंदी से इस केस को जो है वो अदालत से खारिज करवा दिया, और पीआईए का जहाज़ जो है वो पीआईए के हवाले वापस कर दिया गया है। उसका एक क्लेम था उस कंपनी का जो कि पीआईए के साथ ऑलरेडी यूके की अदालतों के अंदर चल रहा था, वहाँ के ऊपर उस टाइम पे उसका क्लेम जो था वो $9 मिलियन का था। पीआईए ऑलरेडी $7 मिलियन उसको अदा कर चुका है, बाकी के लिए दोनों फरीकैन ने बाहमी तौर के ऊपर ये डिसाइड किया है कि इसको वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ लेके जाएंगे। उसी की कॉन्टीन्यूटी के अंदर यूके की कोर्ट के अंदर भी अजर्नमेंट हो गई, वहाँ पे जो है वो केस जो है वो ज़ेरे इल्तवा आ गया, और मलेशिया की कोर्ट के अंदर जो है वो केस वो खारिज कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, सुनने में तो ये कि $7 मिलियन पे हुए हैं, लेकिन चले लेट्स सी जनाब के क्या